गर्मा गर्म कचोरियों का मजा उठाता। मैं हूँ ट्रैवलो केजे और चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज नागपुर की एक बेहतरीन सी ब्रेकफास्ट प्लेस जिसका नाम है नीहा कचोरी। जो ग्राहक बोलते हैं वही माल मिलेगा और बिल्कुल एकदम फ्रेश। ओके। और फली के तेल से खिलाता हूँ, सब ग्राहक खुश है, खाके जाएंगे खुश, नहीं खाके जाएंगे मिल के जाएंगे वो तो भी खुश। और आज हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जिसका नाम है नीहा कचोरी, जो जहाँ पे मिलती है नागपुर की वन ऑफ द बेस्ट कचोरी। और ये वो जगह है जब मैं 11th एंड 12th में नीट IIT की पढ़ाई कर रहा था तब मैं यहाँ ICAT में जाता था, एंड जब हमें बीच में कोई भी ब्रेक मिलता था वी यूज़ टू कम टू दिस प्लेस एंड एन्जॉय द कचोरी। द प्राइस इज लाइक वेरी लो, जस्ट फॉर 10 rupees एंड 20 rupees यू गेट अ दाल एंड प्याज कचोरी, एंड द क्वालिटी इज एकदम नेक्स्ट लेवल। लाइक एकदम यहाँ पे जो ऑयल यूज होता है वो एकदम प्योर क्वालिटी का रहेगा, ग्राउंड नट ऑयल रहेगा, और मतलब यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके हेल्थ को हार्म करेगी या कोई नुकसान पहुँचाएगी। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। अंकल अपना ये कचोरी का जो दुकान है उसका मतलब क्या स्पेशलिटी है? स्पेशल ये राजस्थान का कचोरी है। राजस्थान का कचोरी, तो मतलब ये जो अपने नागपुर में बाकी जगह पे समोसा कचोरी मिलता है उससे ये क्या अलग है? मतलब इसमें तो राजस्थान का स्पेशल डिश है और गर्मा गर्म रहता है, 7 बजे से 11 बजे तक की दुकान रहती है। अच्छा। और हर चीज पे अपनी दुकान फेमस है। मूंगफली का तेल से बनाता हूँ। अच्छा, मूंगफली के तेल से जी। और यहाँ पे कौन सी कचोरी है? कौन सी कचोरी है? मूंग और प्याज। तो यहाँ पे मूंग और प्याज कचोरी मिलती है और मतलब चटनियाँ मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत चटनी डाली जाती है और दही और पुदीना। और पुदीना, अच्छा। और ये आपका दुकान कितने सालों से है? 10 साल से। बाप रे। और मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे काफी मसाला रखे हुए, तो दिन में क्या मेरे हिसाब से 1000 लोग तो आराम से आ जाते होंगे? आराम से वही। और ये मतलब राजस्थान का आपने जैसे बताया राजस्थान की कचोरी है, प्याज कचोरी, दाल कचोरी, तो ऐसा कोई राजस्थान का पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से आती है ये? नहीं, एरिया नहीं बोले, एरिया में आदमी लोग ही काम कर रहे हैं, मगर ये स्पेशलिटी राजस्थान के अलावा कोई आदमी नहीं बना रहा। अच्छा। इसके अलावा भी अपना जो टेस्ट है सबसे हटके एक बार जो खा के जाएगा वो दोबारा उसको आगे कभी खाना ही है। बिल्कुल। ये व्यापार मेरे बच्ची के नाम से ही करता है। अच्छा, आपकी बेटी का नाम नेहा है? नाम नेहा है, मेरे बेटी के नाम से ही कारोबार करता है। ओके। और मेरी माता जी बंजारानी माता जी इसी का कारोबार करता है। अच्छा, मैंने देखा जब मैं आया तब हर रोज एक माता जी के फोटो के सामने पहली कचोरी जो होती है वो माता जी के सामने होती है। भोग लगाया जाता है, पहले भोग लगाया जाता है। दो बच्चे है मेरे, एक का नाम विनायक है, एक का नाम रोहित है। हम तीनों बाद होते हैं सबको संभालते हैं। तो मतलब इसका काम लाइक कब से मतलब शुरू होता है? सुबह उठ के 4 बजे से 7 बजे घर पे। हाँ। 7 बजे से 11 बजे दुकान पे। अच्छा, फिनिश। ओके, कर सके उतना करो। सही है, बिल्कुल। प्योर खुली का तेल, ऐसा नहीं कि 1% भी कोई मिलावट नहीं। हाँ। मसाला घर में ही बनाता हूँ खुद। अच्छा। बाजार का कुछ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। एक्चुअली कहता है कि जनरली जैसे पोहा वगैरह जैसे रास्ते में अगर अपन देखते हैं तो एक डोसा इडली है या फिर पोहा है तो जनरली कैसा बोर हो जाता है, बट यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्या है तो कि हर दूसरे दिन बोले तो मन करता है यहाँ पे आने का, मतलब नाश्ता करना है तो यहाँ पे आने का मन करता है। डिफरेंट कचौड़ी है, एक तो दाल कचौड़ी बहुत ही डिफरेंट आइटम है, वो हर जगह नहीं मिलता है। तो जैसे भैया बता रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान का स्पेशलिटी है ये। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा और रेगुलर करते वैसे तो अच्छा है, शायद मैं यही वाला कचौड़ी प्रेफर करूंगा। पर डे आता हूँ और नाश्ता करके जाता हूँ, नहीं खाया तो मुझे अच्छा ही लगता, पूरा दिन मेरा खराब जाता है। ऐसी कचौड़ी तो पूरे नागपुर में क्या, पूरे इंडिया में मेरे को लगता नहीं मिलती हो। बिल्कुल। भैया अपने शॉप का एग्जैक्ट लोकेशन किधर है? एक बड़ी लाहौरी कॉफी है जिसका। अच्छा। और मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ वापस की मतलब एकदम चटनियाँ वगैरह एकदम फुल डाल के देते हैं, और मैंने नागपुर में जितनी भी कचोरी खाई है कहीं ऐसा मतलब अद्भुत कॉम्बिनेशन देखा नहीं है मैंने। तो मतलब क्या इसके पीछे क्या पूरा मेहनत लगती है आप बताओ ना थोड़ा।
मेहनत तो दिन में लगती है, बाकी मॉर्निंग में बिल्कुल अपन जो भी है सब मॉर्निंग में ही बनाते हैं पूरा, मतलब कल रात का कुछ नहीं रहेगा, एकदम सुबह सब फ्रेश रहता है, फ्रेश बनता है पहले, और बचता भी नहीं है अपने पास, कुछ बचता नहीं, पूरे खत्म हो जाता है। अंत समय आ गया था अब मेरी कचौरी खाने का। कचौरी पे अलग अलग टाइप की चटनी, दही, ये सब डाल के मुझे दिया गया। कचौरी रियली नाइस कचौरी, इसमें एकदम अंदर आप देखोगे तो पूरे स्पाइसेस भरे हुए हैं, द क्रस्ट इज एकदम, मतलब क्रिस्पीनेस भी है, एंड वंस यू हैव इट इनसाइड एकदम अच्छे से ऑयल रिलीज होगा, एकदम बहुत ही प्यारी कचौरी है, एंड पुदीना का, दही का, इमली का सब टेस्ट एक साथ आता है, तो इट्स मतलब एकदम लवली कचौरी है, यहाँ पे आके जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।